तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंशु कुमार है। आप देख रहे हैं सपाट ट्यूबर, और आज हम आ गए हैं एक और नया ताज़ा तड़कता फड़कता व्लॉग लेके। इसे फूड व्लॉग भी कह लो, लेकिन हाँ, हम सबसे पहले जाएंगे हनुमान मंदिर। सुबह सुबह ही जा रहे हैं, तो सबसे पहले जाएंगे हनुमान मंदिर और उसके बाद जाएंगे दिल्ली के फेमस पराठे वाली गली। सो लेट्स गो। ये है हनुमान मंदिर। अब यहाँ पे दर्शन कैसे कैसे करते हैं? एक्चुअली मैं आया बड़ी दिन बाद हूँ, तो मेरे को पता तो समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे बहुत सही सही खाने की शॉप्स हैं, तो कैसे यहाँ पे चप्पल उतार के वहाँ पे कोई जगह नहीं है रखने की? वो है सामने। अच्छा, एक्चुअली ये मंदिर है, और क्या कहते हैं, हमें यहाँ पे अंदर फ़ोटो खींचने से मना कर दिया गया। यहाँ पे लिखा था कि फ़ोटो खींचना सख्त मना है, तो हम जो कर पाए वो यही है। बाकी आप देख लो यहाँ पे, मतलब अच्छा है मंदिर, तो नॉर्मली होते हैं, लाइक दर्शन किए और आ गए। समय बिल्कुल टाइम नहीं लगा, मुश्किल से 2 मिनट। और भैया लड्डू कैसे हैं? हाँ हाँ, कैसे? 300 रुपये किलो है, 320 रुपये किलो, सब देसी हैं। अच्छा, तो ये, और ये चलो भैया ये कर दो आधा किलो। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिगपाल जहाँ थे कवि कोविद कह सके कहाँ थे तुम उपकार सुग्रीव वही किन्हा राम मिलाए राजपत दीन्हा राम मिलाए राजपत दीन्हा राम राम जय राम राम सिया राम राम जय राम 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 जय राम राम सिया राम राम जय राम राम। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र जो नन पर भानु लिल्यो ताहि मधुर पल जानु प्रभु। ये कचौड़ी है? कचौड़ी पूरी कचौड़ी कह रहा हूँ, कचौड़ी पैक करनी है, कितनी करनी है? ये हमारा धंधा ही है, यूट्यूबर। क्या कर लो, अच्छी बात है। तू ये पकड़ सकते, मैं जाऊँ तो गाइज मंदिर के दर्शन हो गए हैं, और अब हमारा प्लान है पराठे वाली गली जाने का। तो चलो पराठे वाली गली। ये है पराठे वाली गली।
ये थोड़ा सा ढाबा रेस्टोरेंट जो भी कह लो, ये मेन्यू है। ये है पनीर का पराठा, ये आपकी घिया की सब्जी है, आलू की सब्जी है, आलू चने की सब्जी है, ये मेरे ख्याल से केले का वो है कुछ, और ये आपका नॉर्मल, और ये पनीर का, और ये है आलू का पराठा। बहुत मज़ा आया, और ये अब ख़त्म, पूरा खा नहीं पाया हमने, गोभी के, आलू के, और दो आलू के, एक गोभी का और एक पनीर का बनाया था, सारे बहुत सही थे। चलो ओ, यहाँ से हम पियेंगे लस्सी, ये देखो मीठी चाहिए, मीठी चाहिए बच्चों, मीठी मीठी मीठी। भाई ये बहुत सही, मतलब ठीक है, मतलब मुझे तो मज़ा आ रहा है, मस्त लग रही है। तुझे कैसा लग रहा है? हाँ भाई कैसी लग रही है? बड़ी मस्त है भाई, पेट भर गया। अभी पराठे खाए हैं, फिर ये पी रहे हैं, पेट तो पूरा फुल हो चुका है। चलो अंकल बाय। तो अब चल रहे हैं हम घर, ये देखो ये गली, किसी को मेरे ख्याल से पराठे वाली गली कहते हैं, यही है, यही है पराठे वाली गली, पराठे वाले सब सारी दुकानों के नाम यहाँ पे पराठे वाले हैं, पराठे वाले, आलू पराठे वाले, ये पराठे वाले, वो पराठे वाले। तो पेट भर गया भाई कसम से, पेट भर गया, और क्या, मेरी थोड़ी वीडियो बना, हम्म, मेरा भी पेट भर गया भाई, बहुत मतलब मजा आया बहुत ज्यादा। तो 500 रुपए खर्चा हो भाई, चार पराठों में यही होगा। ये भाई रोने तो दिल्ली गवर्नमेंट ने कुछ सालों मेरे ख्याल से महीने हुए हैं लॉकडाउन में ही बन के पूरा तैयार हुआ है, और आप देख सकते हो कि इसकी हालत क्या हो रखी है, मतलब वही है ना कि चीजें बन जाती हैं, ढंग से मेंटेन नहीं होती हैं, वाला सीन है। और ये गुरुद्वारा है यहाँ पे, बहुत फेमस गुरुद्वारा, ये कंस्ट्रक्ट हो रहा है।